नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं डॉक्टर विजयेंद्र गोविंदा गुप्ता का असिस्टेंट हूँ। आज हमारे सामने सर बैठे हैं जिनका ZSR सर्कमसीजन सर्जरी हुई थी और 19 दिन में उनका काफ़ी अच्छा से रिकवर हो गया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है। तो आज हम उनसे कुछ चीज़ें जानेंगे, कुछ जानकारी जानेंगे, उनका फीडबैक कैसा रहा। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका ZSR सर्कमसीजन कब हुआ था? 4 मार्च को। तो आपको कैसे पता चला कि आपको फाइमोसिस है? मेरे को पैसे तो नहीं पता था, पर मैंने जब सर का वीडियो देखा यूट्यूब पे मेंस हेल्थ के बारे में, तो तब मुझे पता लगा हाँ मुझे प्रॉब्लम है। फिर मैंने यहाँ पे आके जब चेकअप करवाया तो मुझे श्योर हो गया कि हाँ प्रॉब्लम है। तो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि आपको जो फाइमोसिस है वो कौन से ग्रेड का है? तो मुझे 3rd grade का फाइमोसिस था। तो अच्छा, आपकी जैसे सर्जरी होगी ZSR सर्कमसीजन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको सर्जरी में कितने टाइम का प्रोसेस था और पेनलेस था, क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जानना चाहूँगा आपसे मैं। सो 5-6 मिनट की सर्जरी होती है, उससे पहले बस आपको नमिंग करते हैं आपके पीनस की, और उसके बाद सर्जरी के अंदर 5 मिनट लगते हैं। उसके बाद आप डिस्चार्ज आराम से घर जा सकते हो, ड्राइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जहाँ तक रिकवरी की बात है, तो 10 दिन के अंदर आपको ब्लीडिंग वगैरह अगर कहीं भी हो रही हो तो वो स्टॉप हो जाती है पहले 2-3 दिन के अंदर ही, और 10 दिन के अंदर रिंग निकलनी शुरू हो जाती है। सो अराउंड उसके बाद 3-4 दिन के अंदर और रिंग पूरी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाती है। तो सर्जरी में आपको कोई पेन वगैरह रहा है ऐसा कुछ? सर्जरी में पेन आपको रहता है जब आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, या फिर जब आपको मॉर्निंग इरेक्शंस होते हैं, अनवांटेड इरेक्शंस होते हैं, तब थोड़ी बहुत पेन होती है, बट इट इज़ नॉर्मल। तो आफ्टर सर्जरी आपको कितने दिन मेडिसिन वगैरह खानी पड़ी? सो आफ्टर सर्जरी अबाउट 10 डेज मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसके बाद जब पेन हो तो एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। आपको मॉर्निंग इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई हो? मॉर्निंग इरेक्शन में ऐसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज इरेक्शन अवॉइड करने की मेडिसिन दी जाती है साथ में, तो उससे काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होता है। बट एक बार अगर रिंग उतर जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सर्कमसीजन जो है आपका, ये कौन सा हुआ है? फुल हुआ है, पार्सल हुआ है, कौन सा सर्कमसीजन? पार्सल सर्कमसीजन हुआ। तो आपको इसके लिए कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन द रिजल्ट्स। तो बेसिकली आपको क्या लग रहा है, कोई स्मैग्मा, इचिंग, रेडनेस, वो प्रॉब्लम आपको सर्जरी के बाद दोबारा आ रही है क्या? तो प्रॉब्लम सिर्फ सेंसेशंस की आती है, वो नॉर्मल है, उसमें कोई इतनी वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाँ एक बार आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्किन से कवर्ड होते हैं, बट आफ्टर सर्कमसीजन वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है इतनी। तो सर्जरी के बाद आपकी सेंसिटिविटी जो है वो अभी कितनी है अभी तक? सो जब पहले के मुकाबले सिर्फ 30-40% है, और वो भी टाइम टू टाइम हील हो जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ 19 डेज हुए हैं मेरे सर्कमसीजन को। तो जैसे आपकी सर्जरी को हो गया आज 2 हफ्ता हो चुका है, तो स्टाफ को लेकर कोई दिक्कत हुई हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, या जो हमारे ZSR सर्कमसीजन के कोऑर्डिनेटर हैं साकेर हैं, चंदन हैं, इनको लेके कोई आपको प्रॉब्लम हुई हो? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। मुझे बीच में कोई प्रॉब्लम अगर हुई भी थी तो मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो मेरे को इमीडिएट रिस्पांस मिला था। व्हाट्सएप पे भी मैंने फ़ोटोज़ भी भेजी, उन्होंने फ़ोटोज़ भी क्या कहते हैं मेरी अच्छी तरीके से देखी, एनालाइज़ करी, और उसके बाद मेरे को आंसर भी दिया था। अच्छा, मोस्टली हमारे कुछ पेशेंट हैं जिनका कहना है कि जो सर्कमसीजन करते हैं, जो हमारी जो एक्स्ट्रा फोर स्किन है वो हटा देते हैं, तो उसके बाद पेशेंट का कहना है कि हमें साइज़ छोटा लग रहा है, तो ऐसा आपको कुछ लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, साइज़ आपका वही सेम है। सेम है। तो इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो फेनुलम था वो अच्छे से स्कार्ड हो चुका है? या बिल्कुल बिल्कुल सब क्लियर है। सॉरी, सब क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सो मच।